हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का नियो वर्ल्ड टेक में स्वागत है। दोस्तों, आप सभी के लिए बहुत ही बड़ी खुशखबरी है क्योंकि जुलाई 2020 के महीने में बम्पर भर्तियां आ चुकी हैं। जी हां दोस्तों, पूरे 1,30,000 पदों पर बम्पर भर्तियां आ चुकी है जो कि इस साल 2020 की जुलाई की बम्पर भर्तियां हैं। दोस्तों, ये जो भर्तियां निकाली जा रही है ऑल ओवर इंडिया की जॉब है। भारत में किसी भी राज्य में आप रहते हैं, चाहे राजस्थान, गुजरात, यूपी, पंजाब, हरियाणा, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आप 8वीं पास है, 10वीं पास है, 12वीं पास है या फिर अगर आप ग्रेजुएट पास भी हैं, तो आप सभी कैंडिडेट्स इन वैकेंसी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। बम्पर वैकेंसी है, सभी क्वालिफाइड कैंडिडेट्स को भर्ती के लिए मौका दिया जा रहा है, तो आप इस वैकेंसी के लिए अप्लाई जरूर कीजिएगा। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आप सभी से शिकायत है, आप वीडियो देखते हैं पर लाइक नहीं करते, तो ज्यादा से ज्यादा वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। रोजाना इसी प्रकार सरकारी नौकरी की खबर पाने के लिए चैनल को आज ही सब्सक्राइब करें, वीडियो के नीचे लाल बटन को दबा करके और घंटी का बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा। तो चलिए फटाफट से आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं आज की बम्पर वैकेंसी की। जी हां दोस्तों, ऑल ओवर इंडिया की जॉब है, जुलाई 2020 की बम्पर भर्तियां आ चुकी है। लगभग 1,30,000 पदों पर भर्ती का ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी हो चुका है। सबसे पहले आपको बताते हैं कि ये जो वैकेंसी निकाली जा रही है, इनमें से कुछ वैकेंसी ऐसी है जिसमें आपकी कोई भी एग्जाम नहीं होगी, मतलब कि कोरोना जैसी महामारी के चलते सरकार ने सीधी भर्तियां निकाल दी है। एज लिमिट जो है 18 से 55 साल है और यहां पर क्वालिफिकेशन मैंने आपको बता ही दी है, मेल और फीमेल दोनों ही कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं। तो दोस्तों, आज इस वीडियो में मैं आप सभी के लिए एक नहीं, दो नहीं, पांच नहीं, टोटल 10 बम्पर भर्तियों की जानकारी लेकर आया हूं। एक एक करके सभी भर्तियों की जानकारी आपको बताएंगे, लेकिन वीडियो को लास्ट तक देखिएगा तभी आपको भर्तियों की जानकारी मिल सकेगी। दोस्तों, वीडियो को लास्ट तक देखिएगा क्योंकि यहां पर काफी सारी वैकेंसीज हैं, जैसे कि एसएससी की है, पोस्ट ऑफिस की है, बैंक की है, रेलवे की, काफी सारी वैकेंसीज मैं आपके लिए इस वीडियो में लेकर आया हूं। दोस्तों, इन टॉप 10 वैकेंसी के अलावा भी काफी सारी बम्पर भर्तियां आ चुकी हैं। उन सभी की जानकारी और आवेदन करने के लिए आप हमारी ऑफिशियल वेबसाइट पर विजिट करें, गूगल में सर्च करें www.tipswaralbus.xyz। जैसे आप गूगल में सर्च करेंगे, आप सीधा हमारी ऑफिशियल वेबसाइट पर आ जाएंगे। तो चलिए बात करते हैं आज की टॉप 10 वैकेंसी की। तो सबसे पहले नंबर 1 वैकेंसी जो निकाली गई है वो है JKSSB की तरफ से। जी हां दोस्तों, जम्मू एंड कश्मीर सर्विसेज सिलेक्शन बोर्ड की तरफ से ग्रुप डी की वैकेंसी आ चुकी है। लगभग 8,500 पदों पर बम्पर भर्ती है। आवेदन केवल ऑनलाइन मांगे जा रहे हैं, शुरू हो चुके हैं आवेदन। यहां पर दोस्तों आपका एग्जाम होगा और आपकी इंटरव्यू भी होगी। सैलरी आपको मिल रही है 47,000 प्लस आपको पर मंथ सैलरी मिल रही है। एज लिमिट जो है 18 से 40 साल है। उसके अलावा आयु सीमा में छूट लग से है रिजर्व कैंडिडेट्स को। एप्लीकेशन फीस जो है यहां पर सभी के लिए 350 रुपए है और पेमेंट आप ऑनलाइन भी करवा सकते हैं। क्वालिफिकेशन 10वीं और 12वीं पास यहां पर है। अगर आप सिर्फ 10वीं पास भी हैं तब भी आप अप्लाई कर सकते हैं और 12वीं पास कैंडिडेट्स को भी मौका दिया जा रहा है। ठीक है, आवेदन कैसे करना है पूरी इंफॉर्मेशन यहां पर है। 10 जुलाई से लेकर 25 अगस्त 2020 तक आवेदन चलेंगे। यह रहा आवेदन करने का लिंक नोटिफिकेशन के साथ में। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं दूसरे नंबर की एक और बड़ी भर्ती की जो निकाली गई है एनटीपीसी की। जी हां दोस्तों, एनटीपीसी लिमिटेड की तरफ से वैकेंसी आ चुकी है। इंजीनियर की वैकेंसी है और असिस्टेंट केमिस्ट की वैकेंसी है। 275 पदों पर नोटिफिकेशन जारी किया गया है। आवेदन केवल ऑनलाइन ही मांगे जा रहे हैं। सैलरी आपको मिल रही है अधिकतम 60,000 रुपए पर मंथ। ऑल ओवर इंडिया की जॉब लोकेशन है और ऑल इंडिया के मेल और फीमेल कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं। एज लिमिट यहां पर मैक्सिमम 30 साल है। अधिक जानकारी के लिए नोटिफिकेशन को चेकआउट करिएगा। और एप्लीकेशन फीस जो है यहां पर जनरल ओबीसी के लिए 300 रुपए है और एससी एसटी और एक्स सर्विसमैन के लिए बिल्कुल फ्री है। पेमेंट आप बाकी के कैंडिडेट्स जो है ऑनलाइन करवा सकते हैं। क्वालिफिकेशन यहां पर इंजीनियरिंग है या फिर अगर आप एमएससी पास है तो आप अप्लाई कर सकते हैं असिस्टेंट की पोस्ट के लिए। अप्लाई कैसे करना है पूरी इंफॉर्मेशन यहां पर है। 15 जुलाई से लेकर 31 जुलाई 2020 तक आवेदन चलेंगे। यह रहा लिंक आवेदन करने का नोटिफिकेशन के साथ में। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं तीसरे नंबर की एक और सीधी भर्ती रैली की जो निकाली जा रही है आर्मी की तरफ से। जी हां दोस्तों, आर्मी की तरफ से भर्ती रैली आ चुकी है। सोल्जर जीडी की है, सोल्जर टेक्निकल की है, सोल्जर क्लर्क स्टोर कीपर की है और सोल्जर ट्रेडमैन की है, जिसमें 8वीं और 10वीं पास दोनों ही कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं। आवेदन केवल ऑनलाइन ही मांगे जा रहे हैं। तो सबसे पहले आपको अगर भर्ती रैली में शामिल होना है तो ऑनलाइन अप्लाई करना होगा, उसके बाद ही आप भर्ती रैली में शामिल हो सकेंगे। ऑल ओवर इंडिया की जॉब लोकेशन है, ऑल इंडिया के कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं। एज लिमिट जो है 17.5 से लेकर 23 साल है और एजुकेशन क्वालिफिकेशन 8वीं पास 10वीं पास और अगर आप 12वीं पास है तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। कैसे अप्लाई करना है पूरी जानकारी यहां पर है। 30 जून से लेकर 14 अगस्त 2020 तक आवेदन चल रहे हैं। तो आवेदन करने का लिंक ये रहा नोटिफिकेशन के साथ में। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं चौथे नंबर की रेलवे की भर्ती की। जी हां दोस्तों, साउथ सेंट्रल रेलवे की तरफ से भी भर्ती आ चुकी है। लेब असिस्टेंट की पोस्ट है, हॉस्पिटल अटेंडेंस की पोस्ट है, बाकी अदर वैकेंसीज भी है। टोटल 110 पदों पर वैकेंसीज हैं। आवेदन केवल ऑनलाइन ही मांगे जा रहा है और रेलवे जॉब है यहां पर आपको बता दें और
और यहां पर आपका कोई भी एग्जाम नहीं होगा, केवल इंटरव्यू के माध्यम से आपका सिलेक्शन होगा। सैलरी आपको जो मिल रही है 95,000 पर मंथ आपको सैलरी मिलेगी। ऑल इंडिया के मेल और फीमेल कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं। एज लिमिट जो है 18 से 54 साल है। अधिक जानकारी के लिए भी आप नोटिफिकेशन चेकआउट कर सकते हैं। क्वालिफिकेशन 10वीं 12वीं ITI, और अगर आप ग्रेजुएट पास है, डिग्री होल्डर है रिलेवेंट डिसिप्लिन में, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं पांचवें नंबर की एक और बंपर भर्ती की जो निकाली जा रही है स्वास्थ्य विभाग की तरफ से। जी हाँ दोस्तों, नेशनल हेल्थ मिशन NHM की तरफ से कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर की वैकेंसी आ चुकी है। 8,455 लगभग 8,500 पदों पर बंपर भर्ती है, और इस वैकेंसी के लिए आपको बाय पोस्ट ऑफलाइन ही अप्लाई करना होगा। यहां पर सैलरी भी आप दे सकते हैं, 25,000 रुपए पर मंथ सैलरी है। NHM महाराष्ट्र की जॉब लोकेशन है, और एप्लीकेशन फीस जो है जनरल ओबीसी के लिए 500 है, वहीं SC ST और एक्सरसाइजमेंट के लिए 350 रुपए है। पेमेंट आप डिमांड ड्राफ्ट यानी कि DD के द्वारा करा सकते हैं। एजुकेशन क्वालिफिकेशन यहां पर बैचलर डिग्री है रिलेवेंट डिसिप्लिन में। अगर आप ग्रेजुएट है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। आवेदन करने की पूरी जानकारी यहां पर दी गई है। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं छठे नंबर की बंपर भर्ती की जो निकाली जा रही है CRPF की तरफ से। जी हां दोस्तों, काफी समय बाद में CRPF ने बड़ी भर्ती का, सीधी भर्ती का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स की तरफ से यह भर्ती है। पोस्ट आप देख सकते हैं दोस्तों, बंपर पोस्ट है यहां पर, इंस्पेक्टर की है, सब इंस्पेक्टर SI की वैकेंसी है, ASI की वैकेंसी भी है, असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर की वैकेंसी है, हेड कांस्टेबल की है, कांस्टेबल की वैकेंसी है, मतलब काफी सारी वैकेंसीज देखने को मिल रही है। दोस्तों ये जो वैकेंसीज है टोटली नॉन टेक्निकल वैकेंसी है। टोटल 800 पदों पर वैकेंसी निकाली गई है। ऑफलाइन ही आवेदन मांगे जा रहे हैं बाय पोस्ट, ठीक है। डिफेंस की जॉब है, सैलरी आपको 1,42,400 रुपए तक आपको सैलरी मिलेगी, कम से कम 21,000 रुपए आपको सैलरी मिलेगी, अधिकतम 1,40,000 रुपए तक होगी, ठीक है। ऑल ओवर इंडिया की जॉब लोकेशन है। ऑल इंडिया के मेल और फीमेल कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं। एज लिमिट 18 से 30 साल है, और अधिक जानकारी के लिए नोटिफिकेशन को चेकआउट कीजिएगा। एप्लीकेशन फीस जनरल ओबीसी के लिए 200 रुपए है, वहीं SC ST और एक्सरसाइजमेंट के लिए 100 रुपए है। पेमेंट आप ऑनलाइन करवा सकते हैं। एजुकेशन क्वालिफिकेशन 10वीं 12वीं, और अगर आप डिग्री होल्डर हैं तो आप अप्लाई कर सकते हैं। आवेदन कैसे करना है पूरी इंफॉर्मेशन यहां पर है। आवेदन ऑलरेडी स्टार्ट हो चुके हैं 20 जुलाई से, और यहां पर 31 अगस्त 2020 लास्ट डेट है आवेदन करने की। ये रहा एप्लीकेशन का फॉर्म, नोटिफिकेशन के साथ में यहां पर आप क्लिक करके डाउनलोड भी कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं अब सातवें नंबर की भर्ती की जो निकाली जा रही है SSC की तरफ से। जी हां दोस्तों, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की तरफ से भी भर्ती आ चुकी है। सब इंस्पेक्टर की वैकेंसी है, ये भी डिफेंस की जॉब है, लगभग 1,500 पदों पर भर्ती है। आवेदन केवल ऑनलाइन ही मांगे जा रहे हैं। ऑल ओवर इंडिया की जॉब लोकेशन है। ऑल इंडिया के मेल और फीमेल कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों यहां पर आपकी एग्जाम भी होगी, उसके बाद आपका फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट होगा जिसमें आपकी लंबाई चौड़ाई नापी जाएगी, उसके बाद आपकी फिजिकल टेस्ट भी होगी जिसमें आपकी दौड़ भी हो सकती है। सैलरी आपको मिल रही है 1,12,400 रुपए, और एज लिमिट जो है 20 से 25 साल है। आयु सीमा में छूट लग से है रिजर्व कैंडिडेट्स को। एप्लीकेशन फीस जो है ओबीसी के लिए 100 रुपए है, वहीं SC ST और एक्सरसाइजमैन और फीमेल्स के लिए बिल्कुल फ्री है। बाकी अदर कैंडिडेट्स पेमेंट ऑनलाइन करवा सकते हैं। एजुकेशन क्वालिफिकेशन यहां पर अगर आप ग्रेजुएट हैं किसी भी सब्जेक्ट में, चाहे वो आर्ट्स हो, कॉमर्स हो, साइंस में हो, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों बात करते हैं आठवें नंबर की भर्ती की जो निकाली जा रही है पार्लियामेंट ऑफ इंडिया की तरफ से, यानी कि लोकसभा की तरफ से भी भर्ती आ चुकी है। ट्रांसलेटर की पोस्ट पे ये भर्ती निकाली गई है। आवेदन केवल बाय पोस्ट ऑफलाइन ही आवेदन मांगे जा रहे हैं। यहां पर आपकी एग्जाम होगी जो कि आपकी दो एग्जाम होगी, प्री और मेन एग्जाम होगी। सैलरी आपको मिल रही है 1,51,100 रुपए पर मंथ तक आपको सैलरी मिल रही है। पार्लियामेंट ऑफ इंडिया की जॉब लोकेशन है। ऑल इंडिया के मेल और फीमेल कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं। एज लिमिट जो है यहां पर जनरल और UR के लिए है 27 साल, और ICU में छूट लग से है रिजर्व कैंडिडेट्स को। तो अधिक जानकारी के लिए नोटिफिकेशन को जरूर चेकआउट कीजिएगा। एजुकेशन क्वालिफिकेशन दोस्तों यहां पर मास्टर डिग्री है रिलेवेंट डिसिप्लिन में। अगर आपके पास है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। आवेदन कैसे करना है पूरी इंफॉर्मेशन यहां पर दी गई है। आगे बढ़ते हैं एक और बंपर भर्ती की ओर। नवे नंबर की वैकेंसी है जो कि JKSSB की तरफ से निकाली जा रही है। जी हां दोस्तों, जम्मू एंड कश्मीर सर्विसेज सिलेक्शन बोर्ड की तरफ से भी एक और भर्ती आ चुकी है। अकाउंट असिस्टेंट पंचायत की पोस्ट है, 1,889 लगभग 1900 पदों पर यह बंपर भर्ती निकाली जा रही है। इस भर्ती के लिए आपको ऑनलाइन ही अप्लाई करना होगा। दोस्तों यहां पर आपकी एग्जाम के साथ साथ इंटरव्यू भी होगी। सैलरी आपको 92,300 रुपए तक आपको सैलरी मिल जाएगी। एज लिमिट जो है यहां पर अधिकतम है, मैक्सिमम 40 साल है। आयु सीमा में छूट लगते हैं रिजर्व कैंडिडेट्स को। तो नोटिफिकेशन को भी चेकआउट कीजिएगा। एप्लीकेशन फीस जो है यहां पर सभी कैंडिडेट्स के लिए 350 रुपए है। बाकी सभी कैंडिडेट्स पेमेंट ऑनलाइन करवा सकते हैं। एजुकेशन क्वालिफिकेशन दोस्तों यहां पर ग्रेजुएट है एनी स्ट्रीम। अगर आप किसी भी सब्जेक्ट में ग्रेजुएट है तो आप अप्लाई कर सकते हैं, चाहे वो आर्ट्स, कॉमर्स, साइंस में क्यों ना हो, लेकिन यहां पर जो मार्क्स है वो रिक्वायर्ड है, ठीक है। और अप्लाई कैसे करना है पूरी जानकारी यहां पर
हमारे 31 अगस्त 2020 तक आवेदन चलेंगे। ये रहा रजिस्ट्रेशन का लॉगिन का लिंक, यहां पर आप जाकर के रजिस्ट्रेशन करें, अप्लाई करें, लॉगिन करके फॉर्म को सबमिट करें। फाइनली आगे बढ़ के बात करते हैं आज की 10वें नंबर की वैकेंसी की जो निकाली जा रही है पोस्ट ऑफिस की तरफ से। जी हाँ दोस्तों, गुजरात पोस्टल सर्कल की तरफ से पोस्टमैन, मेल गार्ड की, पोस्टल असिस्टेंट की, सॉर्टिंग असिस्टेंट की, एमटीएस की वैकेंसी आ चुकी है। टोटल 144 वैकेंसी जारी की गई है। आवेदन केवल ऑनलाइन ही मांगे जा रहे हैं और सैलरी 81,000 रुपए पर मंथ आपको सैलरी मिल रही है। एज लिमिट 18 से 40 साल है। अधिक जानकारी के लिए नोटिफिकेशन को चेकआउट कीजिएगा। एप्लीकेशन फीस जो है 120 रुपए है और यहां पर क्वालिफिकेशन 10वीं और 12वीं क्लास वाले कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं। आवेदन कैसे करना है पूरी इंफॉर्मेशन है। 31 जुलाई 2020 तक आवेदन चलेंगे, तो जल्द से जल्द आप यहां पर क्लिक करके अप्लाई कर लीजिएगा। तो दोस्तों ये थी आज की टॉप 10 वैकेंसी की अपडेट। अधिक जानकारी के लिए आप हमारी वेबसाइट पर जाएं, यहां पर आपको सारी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।